गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये देखिए आज मैं कितना लेट अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मेरा एक दो वीडियो पेंडिंग पड़े थे तो उनको मुझे एडिट करना था। कल एक दो दिन से मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। तो आज इसलिए मैं अपना व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं पूनम चौहान पंडित वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पर हरियाली है, हमारे घर के पास में ही उनका घर है, ठीक है। तो आज वहाँ पे हरियाली करती है, वहाँ पे भंडारा भी है, तो उन्होंने हमें बुलाया है। तो आज मैं वहाँ पे जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे सरोल जी आ रखे हैं, सरोल के हाथ का खाना है। तो आज हम सरोल के हाथ का खाना खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो एक बार मैं आपको उनका घर दिखा दूँ, यहीं से पीछे नज़दीक हमारे घर के पीछे। तो आपको दिखा देती हूँ मैं उनका घर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है मामा जी का घर, जिनके यहाँ पर हम लोगों को भंडारे में जाना है। तो उधर सामने आपको खेत दिख रहा है, तो उस खेत में खाना बनाया गया है, तो वहीं पे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं सब। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हरियाली पार्क था, तो उन लोगों के यहाँ भंडारा है, तो आज उन्होंने बुलाया है, तो आज हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मकान हमारे घर के पीछे ही हैं। तो ये देखिए, यहाँ नीचे है हमारा घर, यहाँ पे है हमारा घर, और यहाँ पे है पाठ, हरियाली पाठ वालों का घर। तो आज यहाँ पे कार्तिक के महीने भी हरियाली पड़ती है, तो हरियाली डाली गई है और भंडारा है, तो हमें भी इनवाइट किया गया है, तो हम भी आए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा खाना है, भड्डू की दाल है, चूल्हे का खाना है, और पंडित जी बना रहे हैं खाना। इन्हें हम लोग सरोल बोलते हैं, हमारे तो सरोल का खाना होता है। और वो देखिए सामने लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो अभी टाइम हुआ है, 2 बज चुके हैं, 2 बजे से 1:30 बजे से यहाँ पर भंडारा शुरू हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पंडित जी का ही खाना होता है। अच्छा तो ये है मामी जी का घर और ये है उनका घर, जहाँ पे पाठ है। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो ये है सालू का घर और कुलवीर भैया का घर, जहाँ पे की पाठ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैं आपको ऊपर से थोड़ा नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ पे की खाना खा रहे हैं। कितना बड़ा ये खेत है। और वो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे बन रहा है सरोल का खाना। और वो देखिए चावल, लड्डू की दाल, और पतीली में भी रखी हुई है दाल। और कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये देखिए। और यहाँ पे लेडीज वेट कर रही हैं, अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं सबके सब यहाँ पे। तो यह है सालू, जिनके यहाँ हरियाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है माता रानी का मंडप, और हरियाली देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है यहाँ पे। और जय माता दी। और ये है पंडित जी। और इधर बाबा जी बैठे हैं, जो कि हमारे यहाँ गंगा जी के किनारे महादेव जी का मंदिर है, वहां पे रहते हैं बाबा जी दोनों। और यहाँ पे महफिल जमी हुई है हमारे गांव वालों की। फ्रेंड्स ये देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब अपना खाना खाने का, क्योंकि अभी जेंट्स की लाइन लगी है वहां पे खाना खाने के लिए। सरोल जी ने खाना बनाया है, पंडित ही होते हैं और बहुत दूर से आए हैं सरोल जी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सरोल जी अपने दोनों हाथों से ही खाना बांटते हैं, ऐसे यहाँ पे चम्मच या करछी वगैरह नहीं होती है, वो हाथ से ही देते हैं राइस ऐसे उठा करके। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लोग आते जा रहे हैं और पंडित जी लोग सबको टीका लगाते जा रहे हैं। तो कितना सुंदर मंडप पंडित जी लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। तो पाठ में यही होता है, भगवती का मंडप बनता है, पंडित जी लोग बैठते हैं, तो इन्होंने 2 पंडित जी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हैं, हमारे महादेव मंदिर जी के बाबा जी। और ये देखिए लोग बार बार दर्शन करने आ रहे हैं और पंडित जी लोग टीका लगाते जा रहे हैं उनको। हरियाली भी बहुत सुंदर जम रखी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी जेंट्स बैठे थे खाने खाने के लिए, और अब लोग जा रहे हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। लेडीज़ का नंबर है, पहले जेंट्स ने खाया, अब लेडीज़ खा रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों को जाना है खाना खाने के लिए यहाँ नीचे खेत में। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें खाना देंगे सरोल जी, ठीक है। कब आए आप? कल आ गए? अच्छा ठीक है, तबियत पर। फ्रेंड्स ये देखिए, अभी सब लोग लाइन बना के बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी सरोल जी आने वाले हैं खाना देने के लिए।
फ्रेंड्स आज धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, बिल्कुल फेस पे धूप लग रही है, पता नहीं कैसा खाना खाएंगे हम लोग। और आज मेरे साथ आए हैं मम्मी जी और कंचन, तो हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। मौजी आ जाओ, अरे यार उधर चले गए, अच्छा उधर से छाया बोल के, सब छाया की वजह से जा रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले अरुण भैया दे रहे हैं हलवा, और आपको पता है कि कोई भी खाना हम लोग खाएं तो मीठा सबसे पहले दिया जाता है, तो ये है अरुण भैया, ये हमारे गांव के ही हैं, तो हलवा दे रहे हैं अभी हम लोगों को। भैया पहले बताओ आपने हाथ धोए कि नहीं धोए? तो फ्रेंड्स ये देखिए सरोल जी आ गए हैं खाना बांटने के लिए, और हमारे यहाँ पे सरोल जी होते हैं खाना बनाने के लिए, ये स्पेशल केवल खाना बनाने वाले पंडित जी होते हैं, और इन्हीं के हाथ से हम लोगों के यहाँ पे खाना बनता है। और ये जो खाना बनाते हैं ना, ये बनाते हैं भड्डू में, दाल बनाते हैं भड्डू में, और राइस बनेगा इनका कढ़ाई में, ठीक है ना। और भड्डू की स्पेशलिटी ये होती है कि अष्टधातु का बना हुआ होता है, और इसमें खाना बहुत लेट ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना इसमें बनता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ भड्डू की दाल को खाने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ, वैसे मैं बाहर खाती नहीं हूँ, बट यहाँ पे भड्डू की दाल बन रही थी और सरोल जी के हाथ का खाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और सरोल जी के यहाँ पे अब ये ट्रेडिशन थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे कि सरोल जी के हाथ का खाना, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टैंडिंग खाने का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत रेयर हो चुके हैं, तो इसलिए आज मुझे मौका मिला था, मैंने कहा छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। ये सरोल जी बहुत दूर से आए हैं, कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर से हमने इन्हें बुलाया है, और ये पूरे उत्तरकाशी टिहरी पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और अब बहुत तैयार हो चुके हैं सरोल जी मिलने भी। जैसे कि आप सबने देखा है कि उत्तराखंड में भी खाने का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है, बदल चुका है, स्टैंडिंग खाना हर जगह स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सबने खा लिया है, और यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जब सब पे सब एक साथ उठेंगे जैसे ही खाना खा लेंगे, अलग अलग उठने का रिवाज नहीं है सरोल के खाने में, यही होता है कि सब एक साथ उठते हैं। पतल का रखी बाप रे, भयंकर मिर्ची तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है भड्डू यहाँ पे जो अष्टधातु का बना होता है, और सामने कढ़ाई पे आप देख सकते हैं कि चावल बने हैं, और ये हमारे सरोल जी हैं। सरोल जी के यहाँ एक अलग ही ट्रेडिशन होता है कि सरोल जी की लड़की की शादी सरोल जी के लड़के के ही साथ में होगी। मारो मारो गप्पे मारो, मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट आ रहे हैं, सब तार ऊपर करके आराम से चलो कंचन, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं वहां से, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं वहां पे, और आज हमने खाया है सरोल जी के हाथ का खाना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना उन्होंने बनाया था। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा खाना वहां पे उन लोगों ने बनाया था ना, अच्छा लगा था, सिंपल सिर्फ दाल और चावल थे, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा था, और थोड़ा सा हलवा था, तो चूल्हे का खाना था, भड्डू का खाना था, ऊपर से सरोल जी के हाथ का खाना था, तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया मुझे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें। तो चले मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री कृष्ण, बाय।